सुप्रभात, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ कल्पना। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं महानगर की खबरों की ओर। टेस्टिंग कम, मामले भी हुए कम। राज्य में सोमवार को जारी स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन में एक दिन में कोविड के 19,286 नए मामले सामने आए। इसके अलावा एक दिन में 16 की मौत दर्ज की गई। एक दिन में राज्य में 51,675 लोगों की टेस्टिंग की गई। माना जा रहा है कि टेस्टिंग कम होने से ही मामलों में भी कमी आई है। पश्चिम बंगाल में कोविड का बूस्टर डोज लगना शुरू। पहले ही दिन बूस्टर डोज के लिए आग्रही दिखे लोग। निजी व सरकारी सेंटरों पर लगे टीके। आज के थेके अर्थात जनवरी 10th 2022 थेके आमादेर बूस्टर डोज वैक्सीनेशन बा प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन चालू होलो। इटा चालू होलो होच्छे ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं 60 इयर्स प्लस जरा तादेर जोन्ने। এবং তারা যেহেতু অলরেডি কোউইনে রেজিস্টার্ড আছেন, তাই জন্য তাদেরকে আবার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। কিন্তু শিডিউল যদি ব্লক করতে চান, তাহলে kowin.gov.in এ গিয়ে আপনারা সেটা করতে পারেন। কলকাতা মে কোভিড বেলাগাম, পজিটিভিটি রেট 59% পার। দু সপ্তাহ মে অর পিক পর যা সকতে হ্যায় মামলে। হাওড়া মে ভি পজিটিভিটি রেট 50% কে করিব। फिर हाई कोर्ट में गंगा सागर मेला पर रोक लगाने की अपील। कमेटी में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर राज्य सरकार को एतराज। एक साल बाद जारी हुए टेट के नतीजे। प्राथमिक शिक्षा परिषद के नतीजों की घोषणा 11 महीने 10 दिन बाद जारी किए गए हैं। वर्ष 2017 की विज्ञप्ति के अनुसार 2021 में 31 जनवरी को परीक्षा ली गई थी, जिनके नतीजे जारी करने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नजर। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सख्त कदम उठाए गए हैं। भाटपाड़ा में 2 दिन, न्यू बैरकपुर में 3 दिन और मध्यम ग्रांड में 13 से 15 जनवरी तक पूरी तरह से मार्केट रहेंगे बंद। आज के हमरा न्यू बैरकपुर समस्त प्रशासक मंडली एकत्रित हुए हमारे ऑफिसर दल के संगे निये हमारे हेल्थ ऑफिसर, स्वास्थ्य दफ्तर এবং নিউ ব্যারাকপুরে যত ব্যবসায়ী সমিতি আছে সকলকে নিয়ে আমরা একটা আলোচনা সিদ্ধান্ত করলাম যে সপ্তাহে আমরা একদিন অন্তর একদিন করে সপ্তাহে নিউ ব্যারাকপুরে সমস্ত বাজার ঘাট বন্ধ থাকবে। এবং গভর্নমেন্টের যে রেস্ট্রিকশান আছে, ওষুধের দোকান, দুধের দোকান বা মিষ্টির দোকান যে খোলার ব্যাপার, সেটা বাদে আর সমস্ত দোকান বাজার সব বন্ধ থাকবে। সোম, বুধ, শুক্র, যেহেতু আজকে সোমবার আজকে থেকে চালু হলো, অর্থাৎ বুধবার শুক্রবার হবে, আবার সামনের সপ্তাহে সোম, বুধ, শুক্র, এইভাবে আমরা 31 জানুয়ারি অবধি কর্মসূচিটাকে নিয়ে যাব। রাজ্য মে করোনা উফান পর হে, এসে মে প্রশাসন কে নির্দেশ কে বাদ ভি লোগো মে লাপরওয়াহি সাফ নজর আ রহি হে। হাওড়া স্টেশন কে ভিতর ট্রেনো মে লোগ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন নহি কর রহে হে। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हॉकर बैठते हैं, जो कि फलों से लेकर अंडे, कपड़े व एक्सेसरीज के सामान बेचते हैं। ऐसे में ये सामान बेचने वाले हॉकर मानो कोरोना से बिल्कुल बेखबर नजर आए। अब रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। मौजूदा लहर पर केंद्र की चेतावनी, अभी 5 से 10% केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत, आगे हालात बदल सकते हैं। दूसरी लहर में यह आंकड़ा 30% तक था। ऐसा रहेगा आज का दिन। आज का पंचांग एवं राशिफल 11 जनवरी 2022 राष्ट्रीय तिथि 21 पौष सके 1943। आज मेष राशि वालों के लिए भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श करने वाला दिन हो सकता है। वृष राशि वालों के लिए दिन खर्च प्रधान बने रहने की आशा है। मिथुन राशि वाले किसी मांगलिक प्रयास में प्रगति की संभावना इनमें दिखाई दे रही है। कर्क राशि सहयोगियों के सहयोग के साथ कर्म क्षेत्र से जुड़े रहे, प्रयासों को गति प्रदान करें। सिंह राशि दिन लाभदायक रहने की आशा है। कन्या राशि चिंताकारक स्थिति बन सकती है, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। तुला राशि प्रगति प्रधान दिन बने रहने की आज आशा है। वृश्चिक राशि किसी प्रसन्नतादायक समाचार की प्राप्ति संभव है। धनु राशि चल रहे प्रयासों में प्रगति की संभावना है। मकर राशि कोई भी निर्णय सोच समझकर अपनों के राय परामर्श में लें, हड़बड़ी से बचें, दिन हैरानी भरा हो सकता है।
कुंभ राशि अवसर प्रदान करने वाला दिन हो सकता है। पूरे उत्साह के साथ कर्म क्षेत्र से जुड़े रहें। मीन राशि पूरी निष्ठा के साथ चल रहे प्रयासों को गति प्रदान करने की चेष्टा करें। सफलतादायक स्थिति बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। बादल छाए रहेंगे। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं रात 9 बजे देश और दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।